अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया, सही है ना? आर यू कॉमेडी मी? बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे? लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सबर से सुनना है। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, समझ गया। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, एक साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा, बोलो, नहीं कहलाएगा। कहलाएगा ये क्या है? और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, वो आपस में मिले हैं ही नहीं, तो ये हलाल बच्चा कहां से कहलाएगा? ये गड़बड़े बाबा। नहीं यार, ये बात समझ नहीं। और यकीन फिकह की किताबों में लिखा हुआ है, ये सब किताबों में ही लिखा हुआ है। काश इन लोगों ने कुरान और हदीस टोटलिटी में पढ़ा होता तो इन्हें पता होता। और पाकिस्तान में बीवी कहां? बोलो, अमेरिका में। ये चारों फिकह की किताबों में लिखा हुआ है। बहश्ती जेवर में तो वहीं से लिया है। निकाह हुआ है टेलीफोन पे, कोई मिलाप नहीं। तो गेट टू रो ना। साल के बाद बच्चा मार्केट में आ गया। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो शरीयत क्या कहती है फिकह के मुताबिक? ये बाप कौन है? इस बच्चे का बाप है। इसको नाजायज कहने की आपको इजाजत? बोलते क्यों नहीं? तो नहीं नहीं सर, इस तरह नहीं, अब इंजीनियरिंग हो चुकी है। भाई अगला सवाल है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बहश्ती जेवर से लॉन्ग डिस्टेंस निकाह का मसला जो आजकल मार्केट में चल रहा है, उसका कोई पक्की वाला जवाब दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मेरी तबीयत इस तरह की है ही नहीं है कि मैं इस तरह की गंदी बातों को डिस्कस करूं। क्या पक्की वाला जवाब दूं? पक्की वाला जवाब फिर मैंने दिया तो फिर आपको बुरा लगेगा। ए भाई बता ना, बता ना भाई, भाई भाई मेरा भाई, बता ना भाई, बता ना मेरा, बता। अच्छा, सुन। इसलिए मैं बस एक ही जुमला बोलता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो ये फरमाया ना कि ये करामत हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उलमा देवबंद जो है ना, वो इसी करामत की पैदावार है।